ये जो कीव शहर का जो आप ग्राउंड पर अगर देखेंगे, अचानक तैनाती यहाँ पर बहुत सैनिकों की बढ़ी है। आप बैरिकेड की संख्या हम यहाँ पर अधिक देख सकते हैं। और मैं पहले जो हमारे ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं उनसे ही जुड़ती हूँ ताकि उसका विश्लेषण उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ करें। गौरव, क्या आकलन है, क्यों इस तरीके से हम तैनाती ज्यादा देख रहे हैं? एक एक वो कहते हैं ना, जब ग्राउंड पर आप रहते हैं तो आपको सेंस बेहतर हो जाता है परिस्थिति का। तो इस समय की परिस्थिति में अगर हम तनाव बढ़ता देख रहे हैं तो आपके आकलन में क्या ये सही है? बहुत ज्यादा तनाव यहाँ बढ़ा है श्वेता, राजधानी कीव में आसपास के इलाकों में रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। रूस की सेना अब अगर ब्रोवी का इलाका हो या इरपिन का इलाका हो, काफी हद तक उन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। ब्रोवी में खबर कुछ इस तरह की भी आई थी कि उनको कुछ पीछे खदेड़ने में सफल रही यूक्रेन की सेना, लेकिन जमीनी स्थिति देखिए, आज मेजर इवैक्यूएशन हो रहा है इस जगह से। मेजर इवैक्यूएशन का मतलब यहाँ से 4,000 लोगों को निकालने के लिए यहाँ के जो गवर्नर है ओलेक्सी कुलेबा, उन्होंने बसें ऑर्गेनाइज की है, यानी ब्रोवरी के इलाके को खाली कराया जा रहा है, इरपिन और बूचा के इलाके को खाली कराया जा रहा है कि वहां पर कोई सिविलियन ना रहे। इसका अर्थ क्या है, यानी अब लड़ाई राजधानी कीव के बेहद निकट पहुंच चुकी है और आने वाले समय में, यानी आने वाले 24 से 48 घंटे अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो बहुत संवेदनशील हो सकते हैं इस पूरे युद्ध में। एक निर्णायक दौर में ये युद्ध प्रवेश कर रहा है श्वेता। राजेश, लवीव में एक हमले में इतने लोगों का की मौत हो जाना, 35 लोग बताए जा रहे हैं, ये क्या अब जो युद्ध है जो हमें लग रहा था कि ईस्टर्न यूक्रेन तक सीमित रहा है, अब पश्चिम की ओर भी वो मोर्चा जा रहा है? इवैक्यूएशन जितनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी मूव होने की बात वहां से आ रही है। देखिए श्वेता, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है UNHCR, वो इस पूरी मुहिम में पिछले 10 दिन से लगा हुआ है। काफी डोनेशंस आ रहे हैं और काफी ग्रांट्स उसके लिए सैंक्शन हुए हैं। जितने भी रिफ्यूजीज के लिए शेल्टर होम वहां बनाए जा रहे हैं, खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका मेडिसिन, हर चीज के ग्रांट अभी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के थ्रू आ रहे हैं। चाहे वो पोलैंड में हो, हंगरी में हो, स्लोवाकिया में हो, मोल्डोवा में हो, हर जगह वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जहां तक शहरों के इवैक्यूएट करने का सवाल है, कल मैंने ब्रोवरी से रिपोर्ट किया था कि बड़ी बड़ी कतारें गाड़ियों की थी, लोग छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि जब बमबारी आपके बिल्कुल घर के ऊपर आ जाती है तो लोग, हमने इरपिन में भी देखा कैसे छोड़ छोड़ के जा रहे थे। लेकिन मैं ये मानता हूं अभी भी कि जो मूव है रशियन आर्मी का कीव के चारों तरफ, वो स्लो है थोड़ा। देखिए, हम कितने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं इरपिन से और ब्रोवरी से, कितना मूवमेंट हुआ है, 2 किलोमीटर इरपिन में, 2 किलोमीटर और ब्रोवरी में, जो 2-3 किलोमीटर अंदर आए थे वो भी वापस धकेल दिया गया है। तो जो मूव है अभी रशियन आर्मी का वो स्टंटेड हो गया है। उसमें जो तेजी, जो मोमेंटम था जो हमें शुरू शुरू में देखा था, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इरपिन के इलाके में उन्होंने कुछ बढ़त जरूर बनाई है और काफी नजदीक आ गए हैं शहर के, लेकिन ब्रोवरी में जो कि दूसरी एक्सिस से शहर के अंदर आती है नॉर्थ ईस्ट से, इसमें उनके टैंकों को पीछे धकेल दिया गया है। कई टैंक तबाह हुए हैं रूसी, ऐसी खबर आई है। हम देख नहीं पाए उनको, लेकिन जब हमने उनसे बात की कि वो टैंक हैं कहां जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो हमें बताया गया कि उनको यूक्रेनियन आर्मी ने टो करके अलग ले गए हैं। लेकिन जो टैंकों के अंदर सामान था वो उन्होंने हमें जरूर दिखाया, रूसी सैनिकों की टी शर्ट्स, उनका सामान, बॉक्सेस वगैरह, वो हमने जरूर देखे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं अभी कि कीव के चारों तरफ ऑफेंसिव थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन अभी रूस का फोकस वेस्टर्न यूक्रेन पे शिफ्ट हो गया है। देखिए, आप लवीव में आज हमले हुए हैं, इवानो फ्रेंको में हमले हुए हैं, और इन सब के हमलों में एक बड़ी खतरनाक चीज है, वो ये है कि ये इलाके नेटो देशों की सीमा के बहुत करीब हैं। आप लवीव से आए थे, आपको मालूम है लवीव कितना करीब है पोलैंड की सीमा से, इवानो फ्रेंको लगता हुआ है हंगरी से। तो अगर बाय चांस थोड़ा भी मिसकैलकुलेशन होता है मिसाइल में, कोई मिसजजमेंट होता है, और ये मिसाइल अगर हिट करती है किसी नेटो देश को, तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली रशिया और नेटो एक दूसरे के आमने सामने आ